नौकरी या किसी अन्य कारण से घर से दूर रहने वालों के लिए रिमोट वोटिंग प्रस्ताव विचाराधीन है। इस बात की जानकारी किरण रिजिजू ने देते हुए कहा है कि प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मत पत्र प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग के एक प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय के साथ चर्चा की जा रही है। 2 करोड़ की आबादी वाले अफ्रीका देश मालावी पर मौसम ने बरपाया है कहर। आपको बता दें कि मालावी एक लैंडलॉक कंट्री है जहां फ्रेडी तूफान तबाही मचा रहा है। फ्रेडी तूफान से अब तक 326 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने की वजह से अब तक 6 लोगों की मारे जाने की सूचना है। गौरतलब है कि तेलंगाना के सिकंदराबाद में स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि दर्जनों दमकल गाड़ियों को घंटों तक आग बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। ICMR की एक रिपोर्ट में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। ICMR के अनुसार दिल की बीमारियां महामारी का रूप लेते जा रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में होने वाली कुल मौतों में से 28% मौतों की वजह दिल की बीमारी है। अग्निवीरों के लिए फिर आई खुशखबरी। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIFS में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत नियमों में संशोधन किया है। भारत, अमेरिका, चीन, जापान सहित कई देश स्पेस टूरिज्म की दिशा में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसे में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि भारत अंतरिक्ष पर्यटन मॉड्यूल पर तेजी से काम कर रहा है। ये पूरी तरह सुरक्षित होगा। प्रति व्यक्ति 6 करोड़ रुपए के खर्च पर अंतरिक्ष की सैर की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की 72 घंटों की हड़ताल शुरू हो गई है। गौरतलब है कि सरकार के साथ 3 दिसंबर को हुए समझौते को लागू करने की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। वहीं सरकार ने चेतावनी दी है कि वह हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से सख्ती से निपटेगी और बिजली व्यवस्था में गड़बड़ी करते पाए जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत मामला दर्ज करेगी। भारतीय वायु सेना में अग्निवीरों के लिए आज 17 मार्च 2023 से आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी। वहीं आवेदक के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17.5 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखी गई है। असम CM हेमंत विश्व शर्मा ने मदरसों को बंद करने वाले अपने वादे को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और हम मदरसा नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वार्ता। धन्यवाद।